वर्ल्ड कप 2023 में 4 नहीं 5 सेमीफाइनल टीम होंगी। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में और मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। पूर्व इंडियन कैप्टन और बर्थडे बॉय सौरव गांगुली ने एक प्रेडिक्शन दी है। उनके मुताबिक वर्ल्ड कप 2023 के लिए उनकी 4 नहीं 5 सेमीफाइनल टीम है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई टीमें तो 4 ही जाएंगी, तो भाई सौरव गांगुली ने इस बारे में अपनी खुद की प्रेडिक्शन दी है कि मैं 5 टीमों को चुनूंगा, इन 5 में से कोई 4 टीमें वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। तो एक इंटरव्यू के दौरान एक मीडिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया बर्थडे वाले दिन, और उससे उसके दौरान सौरव गांगुली से जब पूछा गया कि आपके हिसाब से कौन सी वो 4 टीमें रहेंगी जो सेमीफाइनल पहुंचेंगे, तो 3 नाम तो उन्होंने पहले ले दिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 3 टीमें तो पहुंचेंगी, सौरव गांगुली ने ये कह दिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यार 2 टीमों को और लेना चाहूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को किसी भी ICC टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की लिस्ट से बाहर रखना वो तो भाई कतई पॉसिबल है नहीं, बड़े ही अंडरडॉग हैं वो और हमेशा पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल फाइनल, पिछले कुछ समय से खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ICC टूर्नामेंट पर तो शानदार करती है, भले बायलैटरल में उतनी अच्छा ना करे बट ICC के इवेंट्स में अच्छा करती है। तो सौरव गांगुली ने कहा कि मैं न्यूजीलैंड को भी रखूंगा और मैं पाकिस्तान को भी रखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की टीम है, जिस तरह के स्क्वाड को लेकर आएगी, जिस तरह की वो टीम खेल रही है, तो पाकिस्तान को भी मैं रखूंगा इस पूरी लिस्ट में। तो मेरी 5 सेमीफाइनल टीम है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, इनमें से कोई 4 खेलेगा और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तो खेले, न्यूजीलैंड को इसलिए रखा है कि भाई न्यूजीलैंड का क्रिकेट बहुत शानदार रहता है, बट वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल आए और इंडिया और पाकिस्तान ईडन गार्डन्स में भिड़े और ये एक ऐतिहासिक पल होगा, ऐसा सौरव गांगुली चाहते हैं। और आपको याद होगा जब स्केड्यूल आया था वर्ल्ड कप का, तो वहाँ पर एक जो सेमीफाइनल है वो तो भाई वानखेड़े में है, तो वहाँ पर ये शर्त है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुँचता है तो पाकिस्तान वानखेड़े में सेमीफाइनल यानी कि मुंबई में नहीं खेलेगा, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँचता है तो पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो ईडन गार्डन्स में होगा। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुँचती है तो भाई ईडन गार्डन्स में अगर कोलकाता में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा, क्योंकि 2016 में लास्ट टाइम जब T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान आई थी इंडिया, तो वहाँ पर ईडन गार्डन्स में ही इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, विराट कोहली ने वो मैच जिताया था। तो सौरव गांगुली की भी उम्मीदें हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो ईडन गार्डन्स कोलकाता में, और ये एक अच्छा मज़ा आएगा इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि 15 अक्टूबर को तो भिड़ेंगे अहमदाबाद में, साथ ही साथ अगर सेमीफाइनल पहुँचे तो फिर तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया की जनता दोनों, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है इंडिया और पाकिस्तान। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या आप सौरव गांगुली से सहमत हैं? जो भी राय हो आप अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।